Hi, Vaibhav, welcome to the Horizon Academy. Today's point of discussion is problem of limit fields and tolerances. इसके पहले भी मैंने एक प्रॉब्लम आपको इसके ऊपर सॉल्व करके दिखाया है, तो ये प्रॉब्लम मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लेता हूँ, ताकि अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं कवर किया तो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया आ जाएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और एक कमेंट भी करना मत भूलिए। अगर कुछ वीडियो में खामी है तो मुझको समझ में आएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस मुझे हो सकते हैं। और आपके दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि अभी मोनेटाइजेशन के लिए मुझे खाली 600 आवर्स वॉच टाइम बाकी है, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, कैलकुलेट शाफ्ट टॉलरेंस, होल टॉलरेंस एंड टाइप ऑफ फिट। इसके लिए आपको गिवन डाटा क्या दिया है, यहाँ पे देखो, होल 25.04 हायर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट नहीं है यहाँ पे, तो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। सेम शाफ्ट का क्या है, 25.06 और 0.04 हायर लिमिट और ये लोअर लिमिट के लिए। अभी देखो, ये मैंने यहाँ पे होल का डायग्राम बनाया है, और होल का ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन आपका क्या होता है, लोअर लिमिट रहता है, और ये लाइन आपका अपर लिमिट रहेगा, और ये जो जिगजैग लाइन से मतलब सेक्शन है, वो लाइन्स जो है आपके टॉलरेंस के लाइन से। सेम आपका ये जो ये लाइन है आपका शाफ्ट का लोअर लिमिट है, और ये ऊपर का जो लाइन है वो आपका शाफ्ट का अपर लिमिट है। अभी ये जो दोनों भी साइज़ 25-25 है, ये क्या आपके बेसिक साइज़ है, ठीक है। अभी बेसिक साइज़ में क्या करता है, आपको जो ये है अपर लिमिट है, उसको क्या करना पड़ता है, देखो आप, हायर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या लिखना है, हायर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू क्या करो, बेसिक साइज़ कितना है आपका 25.00, इसमें क्या करना है, इसको ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है, यहाँ पे प्लस साइन है, अगर साइन नहीं भी रहा तो वहाँ पे प्लस कंसिडर करना है, अगर माइनस रहा तो ही माइनस करना है। इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 25.04 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे लिखना है LL, मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल। इसके लिए 25 आपका बेसिक साइज रहेगा, और उसमें से क्या करना है आपको, ज़ीरो, अगर कुछ नहीं रहा मतलब वो 25 ही आएगा। फिर सेम आपको क्या करना है, शाफ्ट के लिए भी करना है वैसे ही, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू 25 प्लस 0.06, वो कितने आएगा आपका, 25.06 आया। सेम लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू 25 प्लस 0.04, तो वो कितना आया, 25.04। अभी आपको अगर टॉलरेंस निकालना है, टॉलरेंस ऑन शाफ्ट निकालना है, ये जो यहाँ पे रहेगा टॉलरेंस, ये टॉलरेंस निकालना है, तो क्या करो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। मैं होल का निकालना भूल गया आपको, अभी इसको क्या करो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो कितना आएगा ये, 0.02। सेम आपको क्या करना है, होल के लिए भी वैसे ही करना है। होल के लिए क्या करो, अपर लिमिट कितना है उसका, 25.04 माइनस लोअर लिमिट 25, तो ये टॉलरेंस कितना आया आपका होल का, 0.04। ये आपका है टॉलरेंस यहाँ पे 0.04, और ये टॉलरेंस है 0.02 है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अभी क्या करना है आपको, टाइप ऑफ फिट आइडेंटिफाई करना है। टाइप ऑफ फिट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक होल का और शाफ्ट का, पहले होल का डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर दे दो उसका लोअर लिमिट का जो ये है साइज़ दे दो, अपर लिमिट का साइज़ दे दो, बाद में फिर शाफ्ट निकालते रहे हम भी क्या करना है। शाफ्ट का साइज अपर लिमिट है 25.06 और लोअर लिमिट 25.04, तो यहाँ पे 25 है और ये 25.04 है, तो मेरा ये जो साइज़ है, लोअर जो साइज़ है, ये एग्जैक्ट क्या होगा, वो लाइन के ऊपर ऐसा सामने सामने आएगा, और अपर लिमिट कितना है मेरा, 25.06 है, मतलब ये लाइन के ऊपर मेरा जो शाफ्ट है उसका ऊपर का अपर लिमिट का लाइन रहेगा, तो उसके हिसाब से मैंने वो ड्रॉ किया है। अभी टाइप ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो, ये टॉलरेंस को क्या, मतलब ये जो साइजेस है उसके असेंबली के टाइम, उसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये साइज़ ले लेता हूँ, हाई लिमिट 25.04 लेता हूँ, और इसका क्या कर लेता हूँ, इसका अपर लिमिट ले लेता हूँ, तो 25.06 है। अगर मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरा जो कुछ आएगा वो क्या रहेगा, नोटेशन क्या रहेगा,
माइनस रहेगा। अगर मैं इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ, अगर होल का मैं लोअर लिमिट लेता हूँ और शाफ्ट का अपर लिमिट लेता हूँ, तो दोनों में क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब आपका शाफ्ट जो है वो होल से बड़ा ही है। और ये अगर कॉम्बिनेशन लेते हो अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो वो क्या हो रहा है, एक ही साइज़ के हो रहे हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंटरफेरेंस फिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।